दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये नया लुक क्रिएट किया है, इसमें मैंने पिंक और वाइट कलर के आई शेडो का यूज़ किया है। आप लोग इसे देखिए और फिर मुझे बताइए कैसा आपको लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे क्लीनिंग से। हमें अपनी स्किन अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैंने वाटर से क्लीन किया, वाटर स्प्रे करके, और अब मैं अपनी स्किन को टोन कर रही हूँ। और एक रोज़ वाटर से अच्छा टोनर कुछ नहीं हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप जो यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इससे स्किन काफ़ी, मतलब तुम्हारे जो ओपन पोर्स होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। मेरे फेस में काफ़ी ओपन पोर्स हैं, तो इसलिए मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। तो उससे काफ़ी मेरी स्किन टाइट सी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, इलेक्ट्रोकैलामाइन का ही। ये काफ़ी मुझे पसंद है, इससे स्किन काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होता है, इससे स्किन काफ़ी हाइड्रेट हो जाती है। और आज मैं अच्छे से मेकअप करने वाली हूँ, तो मेरे जितने भी डार्क एरियाज़ हैं उस पर मैं ये लगाऊंगी ऑरेंज कलर का करेक्टर। इससे अपने स्किन को करेक्ट करेंगे हम। तो इस तरह से एक ब्रश से आप अच्छे से करेक्टर को अप्लाई कर लीजिए। मेरे काफ़ी ब्लेमिशेस हैं चीक बोन्स पे, तो मैंने उन एरियाज़ को अच्छे से कवर कर लिया है। अब उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि ब्लेंडिंग से क्या होता है ना, आपका आपने जो भी अप्लाई किया होता है वो अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। और स्किन प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जो भी ये स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, फाउंडेशन, करेक्टर, इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो अगर आप अच्छे से अपनी स्किन प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको इन सब चीज़ों से नुकसान कम होगा। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर लॉरियल का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे काफ़ी सूट करता है, इसीलिए मैं हमेशा लॉरियल के इसी फाउंडेशन को प्रेफर करती हूँ। आप लोग जो यूज़ करते हैं आप उसे करते रहिए, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है। पर हमेशा ट्राई कीजिएगा कि जो आपका फाउंडेशन हो ना, वो अच्छी क्वालिटी का और अच्छी ब्रांड का हो, क्योंकि फ्रेंड्स, स्किन के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ है ना। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर लिया स्विस ब्यूटी का ये वाला ब्लशर। इसे हम इस तरह से लगा लेंगे, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो पिंक उसमें है, तो मैं थोड़ा सा पिंकिश सा टोन देना चाहती हूँ अपने चीक्स को। ठीक है, अभी ये हाइलाइटर मैं इसी पैलेट से ले रही हूँ, जो कि जिन एरियाज़ को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वहाँ पर मैं हल्का सा हाइलाइटर यूज़ करूँगी। कभी भी ओवरडू मत कीजिएगा फ्रेंड्स। जितना आप अगर हाइलाइटर ज़्यादा लगा लेंगे ना, तो बहुत अजीब लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा नेचुरल लुक आए उसके लिए आपको हर चीज़ बहुत कम लेनी है। कम यूज़ कीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट। उसके बाद चाहे धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, पर एकदम से ज़्यादा लगा देंगे ना तो आपका पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। ये चीज़, ये एक टिप है मेरी ओर से, बाकी आप करते रहते होंगे तो आपको पता होगा सेल्फ मेकअप का। और अगर आप नए हैं तो ये मेरी ओर से टिप है, आप ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक हल्का सा नेचुरल लुक। मेकअप किया है तो ये ज़रूर लगेगा कि हल्का सा मेकअप किया है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपने मेकअप किया है और ऐसा लगे ही ना कि मेकअप नहीं किया है। तो मेकअप दिखेगा ज़रूर, बट वो थोड़ा पैची या फिर वो इतना ऑड नहीं दिखना चाहिए कि बिल्कुल पुताई करके आ गए फेस की, है ना। तो यहाँ पर मैं भी अब आईब्रो को मैंने अच्छे से ब्रश कर लिया है, सो दैट थोड़ा नेचुरल लुक आए। और मेरी आईब्रो थोड़ा सा मेरे कम है, तो इसलिए मेरे को उनको थोड़ा सा अच्छे से फिल करना पड़ता है। बट ये नहीं कि मैं बिल्कुल डार्क पेंसिल से बिल्कुल काला काला उसे कर लूँ, नहीं। और हमेशा जो आईब्रो का जो आप पेंसिल या जो भी शेड यूज़ करते हैं ना, वो अपने हेयर कलर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। और करने के बाद उसे इस तरह से ब्रश अप कर लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट वो आपके जो हेयर का डायरेक्शन है वो ऊपर को दिखा और नेचुरल थोड़ा सा लगे आईब्रोज। तो देखिए, जो एक आईब्रोज होती है ना, ओवरऑल लुक देती हैं आपके फेस को, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके फेस में, आई थिंक आईब्रोज, है ना।
तो यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ आई प्राइमर, और आज मैं ये दो शेड यूज़ करने वाली हूँ अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। और कभी भी आई शैडो का यूज़ आप जब करते हैं तो वो ओकेज़न के अकॉर्डिंग कीजिएगा, आप किस ओकेज़न में जा रहे हैं, दिन का टाइम है, रात का टाइम है। और उसके बाद में आप अच्छे से इसे एप्लीकेटर से अप्लाई कर लीजिए, एंड देन आपको और धीरे धीरे बिल्ड कीजिएगा, यानी कि आपने बिल्कुल एक सा बहुत सारा डार्क सा लगा लिया। अब देखिए इस ब्रश से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए आईज में। इस तरह से इसे ब्लेंड कर लीजिए आउटर कॉर्नर से। आउटर कॉर्नर को आप डार्क करेंगे तो इससे आपका जो आईज़ है ना वो काफ़ी अच्छा बड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि और अभी क्या करना है मुझे आप देखते जाइए मैं आगे क्या करती हूँ उसे। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से ब्लेंड करते रहिएगा। सेकेंड साइड में इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ताकि वो स्मूथ लुक आ जाए, ऐसा नहीं लगना चाहिए एक साथ इकट्ठा हुआ सा। उसको स्मूथनेस लाने के लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसके बाद में मैं इसमें जो इनर कॉर्नर साइड है उस पर मैं वाइट शेड का यूज़ करूँगी। अब मैं ये डायरेक्ट ब्लेंडिंग ब्रश से ही मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि मैं उससे ब्लेंड कर रही थी ना। तो इस तरह से अभी अभी क्या लग रहे हैं, दो शेड अलग अलग नज़र आ रहे हैं ना, लाइन नज़र आ रही है, तो उसी को हमें स्मूथ आउट करना है। और उसी के लिए वापस से हम अच्छे से पूरे आई को अच्छे से हम क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे पूरे आई शेडो को, सो दैट वो इवन लुक आए। देखिएगा आप अभी भी हल्का सा लग रहा है इस वाले ब्रश से, ये थोड़ा फ्लफी है तो इससे अच्छी ब्लेंडिंग होगी। तो आपको ब्लेंडिंग पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने आई मेकअप में, और जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं वो चीज़ों में ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी देखिए एक स्मूथ सा लुक आया है, कलर दो हैं बट वो इवन आउट हो रखे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बीच में लाइन आ रखी है ना। अब मैं इसमें काजल लगाऊंगी अपनी अपर आईलैश में और नीचे भी काजल लगा लूँगी, और उसको एक्चुअली आईज़ को थोड़ा बड़ा करने के लिए मैं इसे अच्छे से स्मज भी कर लूँगी। वापस से आपको उसे हल्के से स्मज करना पड़ेगा सो दैट आपका आई जो है ना, मेरी आईज़ बहुत बड़ी नहीं है तो उसको मैं देखना भी किस तरह से थोड़ा सा, अभी आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी लगेंगी, उसे अच्छे से स्मज कर लूँगी। और मैं इसको थोड़ा सा आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा बाहर ले रही हूँ सो दैट बिल्कुल मेरे को ड्रामेटिक लुक नहीं चाहिए अपनी आई का, बट थोड़ा आई लुक तुम्हारा आई साइज़ थोड़ा बड़ा लगे इसलिए। ये वाला लिप शेड मैं यूज़ करूँगी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, मेरे पास पिंक शेड नहीं था तो मैं इसको क्या करूँगी ना कि जो मेरा आई शेडो है सेम उसी तरह का मेरा लिप शेड भी आ जाए, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, इसलिए मैं उसमें क्या करूँगी, ये देखिए मैंने टिप जो अपने इधर है ना लिप्स पे बीच में हल्का सा उसे आप यूज़ कर लीजिए इस तरह से, थोड़ा सा शाइन आ जाता है, या फिर आप ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं पर ये थोड़ा स्टे लंबा करता है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा आई शेडो यूज़ किया है। तो मेरा मेकअप पूरा हो चुका है और यहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से मेकअप फिक्सर को यूज़ कर लीजिए। तो ये रहा फाइनल लुक, आप चाहे रील बना रहे हैं, चाहे फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे बाहर जा रहे हैं, हर एक में ये मेकअप आपका जो मैंने आज किया है बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग कभी ट्राई करके दीजिए, चाहे आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है या फिर आप व्हीटिश कलर है, कोई भी कलर हो, ये जो कलर शेड है ना ये हर किसी पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बताइएगा आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, और आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।